खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोपों पर श्रीलंका भड़क गया है। कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच पड़ोसी श्रीलंका भी भारत के साथ आया है और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कनाडा पर जबरदस्त हमला बोला है। कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को आतंकियों की जन्नत करार दिया था। उनकी बात से सहमति जताते हुए साबरी ने कनाडा को लताड़ लगाई है और कहा है कि कनाडा आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएन महासभा से अलग भारत कनाडा के बीच हाल ही में उपजे राजनयिक संकट पर बात की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं उस पर श्रीलंका के विदेश मंत्री साबरी ने ट्रूडो की जमकर खिंचाई की और कहा कि कनाडा के पीएम के भड़काऊ और बिना सबूतों वाले बयानों पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनका कहना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के भारत पर अपमानजनक आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने और क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. इतना ही नहीं, श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कनाडा की संसद में एक पूर्व नाजी सैनिक को सम्मानित किए जाने को लेकर भी कनाडा को घेरा। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि कनाडा की संसद में कुछ लोग दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों के लिए लड़ने वालों का स्वागत कर रहे हैं। ये कई सवाल उठाता है, इसलिए यह संदिग्ध है और हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि कभी कभी पीएम ट्रूडो अपमानजनक और बिना प्रमाण के आरोपों के साथ सामने आते हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने ट्रूडो को साफ संदेश देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी स्वायत्त देश के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। साबरी ने कहा, मुझे लगता है कि किसी को भी दूसरे देशों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और यह नहीं बताना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे चलाएं। वही हमें किसी और की बातों में आकर अपने मामलों को नहीं देखना चाहिए। साफ है कि निज्जर हत्या मामले में ट्रूडो ने जिस तरह का रवैया अपनाया है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को बहुत धूमिल किया है और लगातार उनकी आलोचना बढ़ती जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।